नमस्कार, मैं राधा करवानी, मैं मूवी मिस्टर किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने किचन में कलाकंद बना रही हूँ। कलाकंद बनाना बहुत ही आसान है और ये झटपट बन जाएगा, झटपट बनने वाली रेसिपी है। चलिए बनाना शुरू करती हूँ। मैं कलाकंद बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है, वो है टोन, 1/2 लीटर है फुल क्रीम, 250 ग्राम चीनी ली है, 1 नींबू का मैंने यहाँ पे जूस निकाल के रखा हुआ है जिसमें कि मैंने 1 चम्मच पानी मिक्स करके रखा हुआ है। ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू लिए हुए हैं, बादाम लिए हुए हैं और इन दोनों को मैंने यहाँ पे इसके मतलब इसको काट के भी रख लिया है। साथ में मैंने पिस्ता है उसको भी काट के रख लिया है। पिस्ता के साथ में मैंने इलायची को भी पीस के मिक्स कर लिया है। और अब चलिए बनाना शुरू करती हूँ मैं। ये जो 1 लीटर जो मैंने टोन मिल्क लिया हुआ है इससे हमें छेना बनाना है और जो 1/2 लीटर फुल क्रीम लिया हुआ है इसको हमें गर्म करना है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ, इसको छेना बना लेते हैं। सबसे पहले हम हमारा दूध गर्म हो चुका है और अब हम इसको गैस को बंद कर देते हैं और गैस से इसको नीचे उतार लेते हैं। अब हम इसको ये जो नींबू का हमने जो रस निकाल के रखा था वो हम इसमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इस तरह से दूध को हिलाते रहेंगे हम। इसको एक साथ नहीं डालना है हमको, धीरे धीरे करके हम इसमें नींबू के रस को डालना है क्योंकि छेना को हमें सॉफ्ट बनाना है। चुका है ठीक से, पानी अलग हो गया है, छेना अलग। अब हम इसको छानना है तो एक सफ़ेद कपड़े को हम छन्नी में लगा लेते हैं। छन्नी में लगाने के बाद हम इसको इस तरह से इस कपड़े के ऊपर सारा ओढ़ देंगे। अब हम साफ पानी से इसको धोएंगे, वॉश कर लेंगे अच्छी तरह से छेना को, जिससे कि जो खट्टापन है जो नींबू का वो सारा बाहर निकल जाए। ये छेना हमारा हमने इसको धो लिया है। अब हम इसको एक बार फिर से साफ पानी में भी एक बार अलग से भी धो लेते हैं जिससे कि खट्टापन बिल्कुल ही निकल जाए। खट्टापन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए इसके अंदर, तो इसीलिए मैं इसको दोबारा धो रही हूँ। इसमें सारे छेने को वॉश कर लेती हूँ, अलग अलग दाने हो गए हैं इसमें और ऐसा ही हमें चाहिए था। ये सारा खट्टापन इसका निकल चुका है। अब हम इसको बहुत ही अच्छी तरह टाइट हाथों से इसको पानी सारा निकालना है। अपना चेक कर लेते हैं और इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये जो 1/2 लीटर हमने जो दूध यहाँ पे कढ़ाई में गर्म करने को रखा था ये भी बहुत ही ज़रा गर्म हो चुका है, उबल चुका है और इसमें हम ये चीनी अब मिक्स कर देते हैं। ये 250 ग्राम हमने चीनी ली है और इसमें हम मिक्स कर देते हैं। इस दूध में अब हम ये जो छेना था वो हम इसमें डाल देते हैं। और इसको हम इसमें पकाते रहेंगे जब तक कि ये सारा सूख ना जाए जो दूध है हमारा। थोड़ा टाइम लग जाएगा इसमें लेकिन हम इसको हिलाते रहना है इस तरह से। हमको हमारा जो कलाकंद बनेगा बहुत ही दानेदार बनेगा, बहुत सॉफ्ट बनेगा। गैस को हम इस टाइम हमने फुल पर ही रखा हुआ है, हाई फ्लेम पे ही रखा हुआ है। ये देखिए
कलाकंद हमारा बनने ही वाला है और अभी इसको अभी हम और सुखाएंगे दूध में, और सुखाना है कि थोड़ा और कम करना है इसको, गाढ़ापन और लाना है हमको। ये देखिए कलाकंद में सारा है हमारा, ये जो दूध था वो सूख गया है, अब ये दानेदार जो है वो कलाकंद बन गया है इससे, और अभी हमें इसे थोड़ा सा और सुखाना है। तब तक मैंने एक डिब्बे में एल्युमिनियम फॉइल जो है वो मैंने लगा लिया है, इसके अंदर हमें कलाकंद को डालना है। एल्युमिनियम फॉइल को मैंने इस डिब्बे के अंदर लगा के एक कोटिंग कर ली है घी से, और अब हम इसको कलाकंद को इसके अंदर डाल देंगे। ये हमारा कलाकंद बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको मैं नीचे उतार लेती हूँ, गैस से डाल देते हैं। इसे हम डिब्बे में बिल्कुल ठीक से अंदर ऐसे फैला लेते हैं। अब हम आधा घंटे के लिए हम इसको हमें रखना होगा। पहले हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, ये बादाम और काजू है जिसको कि मैंने काट के रख लिया था। ये पिस्ता है और हरी इलायची है, इसको भी मैंने, हरी इलायची को भी इसमें पीस लिया है मैंने। पिस्ता को मैंने काट के रख लिया था। मैं डाल दिया है कुछ, ये मैंने कलाकंद को इस बॉक्स में डाल के हाफ एन आवर के लिए रख दिया था, पूरी तरह से सेट हो चुका है इसके अंदर। अब हम इसको काट के इसके पीसेस बना लेते हैं। तो इसके लिए हम किसी भी आकार में इसको काट सकते हैं, मैं स्क्वायर इसको काट रही हूँ। फेस्टिवल पर दीपावली को बना सकते हैं, राखी को बना सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगली बार फिर से एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ आऊँगी मैं। थैंक यू।